क्योंकि यहाँ के लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमें बताया कि इस जगह कैंपिंग करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भालू और लेपर्ड आने के बहुत सारे चांसेस है। उनकी बात सुनकर हमने होटल ढूंढी, हमें यह होटल अच्छी मिल गई, हम वहाँ रुके, आराम किया और अभी हम चंबा के लिए निकल रहे। सुना है वहां पर आज कुछ प्रोग्राम है जो हम रात को देखेंगे और कल फिर हमारी आगे की जर्नी शुरू रहेगी। दोस्तों, इस वक्त हम जिस रास्ते से जा रहे हैं चंबा, वो लैंडस्लाइड एरिया है और आपको हमारे वीडियो में कहीं कहीं तो दिखने को मिल जाएगा वो कि हम क्यों इसको लैंडस्लाइड बोल रहे हैं। जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे गिरे हुए हैं, लंबे लंबे पेड़ अटके हुए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं अगर ज्यादा बारिश आ गई तो बस धीरे धीरे जा रहे हैं हम। फॉग भी इतनी है अभी। हाँ, फॉग भी इतनी है, सही बात है। विजिबिलिटी कभी कभी कम हो जाती है एकदम से, और रास्ते भी बहुत बैंड वाले हैं तो बार बार फोन तो बजाना ही पड़ता है। नुकीले रास्ते हैं, बिल्कुल एक बाजू खाई। दोस्तों, हमने हमारे सामने से आने वाली एक गाड़ी वाले भाई से पूछा कि आगे रास्ता कैसा है, तो उन्होंने हमें ये मशवरा दिया कि आप लोग यहीं रुक जाइए, बारिश बहुत है और पत्थर भी गिर रहे हैं, वो सेफ नहीं है। तो हमने ये निर्णय ले लिया कि हम यहीं रुकेंगे जब तक बारिश बंद न हो। जैसे हमने पहले भी कहा था, सेफ्टी फर्स्ट। चंबा जाना है? चंबा। हाँ, लेकिन ये पत्थर गिरने का वगैरह हो सकता है ना रास्ते में? रोड कच्चा है ना। हाँ, बड़ी गाली है, कच्चा, पूरा कच्चा रोड है, क्योंकि जिप्सी ने बिल्कुल छेड़ रखे रोड, कच्चा रोड देख सकते हैं। आप क्या रख रहे हैं? हम तो उधर से थे ना, अपना खजियार में। अच्छा, तो चंबा वापस आएंगे? नहीं, आगे जाए, आगे बढ़ना है हमें। सर, एक्चुअली जाना चंबा है, लेकिन हम भाई साहब पूछ रहे बारिश आ रही है कब से शुरू हो गई है, तो उस वजह से ये लैंडस्लाइड वगैरह का चांसेस है ना? चांस उतना ज़्यादा नहीं है, नेचुरली अगर होगी तो जैसे भी। ये रास्ता तो बहुत मुश्किल दे रहा है, बीच बीच में लैंडस्लाइड और पत्थर गिर रहे हैं। एक बड़ी बस खड़ी थी, उसके बिल्कुल आगे पत्थर गिर गया, फिर कुछ लोगों ने हटाया, रास्ता हो गया और हम धीरे से निकल गए। लगता है ज्यादा ही टफ है ये रोड। देखा कि फोग इतनी है कि आगे की गाड़ी, पीछे से जो गाड़ी आगे जाती है, 100 मीटर के बाद एकदम उससे जैसे वैनिश हो जाती है, हवा में धुल जाती है, तो इतनी फोग थी। और दोस्तों, साथ में जबरदस्त बारिश भी शुरू हो गई है, तो सेफ्टी फर्स्ट, हम बहुत ही आराम से चला रहे हैं अपनी गाड़ी। और फाल्गुनी अभी आपको दिखाएगी कितनी जोर से बारिश गिर रही है। साईं बाबा, क्या एक रूम है कि नहीं है? पहले बता दीजिए। थैंक यू इंक्वायरी की, लेकिन आज मेले की वजह से पूरा फुल है। अब यहाँ पे कहीं ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ हम अपनी कैंपर पार्क कर सके। अब देखते हैं, आगे ढूंढते हैं कहाँ पर हमें पार्किंग मिलती है, या कोई ऐसा होम स्टे मिल जाए या होटल मिल जाए जिसमें पार्किंग अवेलेबल हो। अभी एक क्रिकेट ग्राउंड जो यहाँ पे है, वहाँ पे पेड पार्किंग है। हमने यहाँ पूछा कि क्या हम यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं अपने कैंप में, अपनी गाड़ी में, तो उन्होंने हाँ बोला, 60 रुपीज पर नाइट उसने चार्ज बताया सिक्योरिटी ने। हम यहीं पे अपनी गाड़ी लगाएंगे और रात को यहीं पे चलेंगे, इसी ग्राउंड में। सिक्योर्ड पार्किंग है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं गेट पे, तो ये सही रहेगा क्योंकि चंबा में कहीं भी पार्किंग नहीं मिलती, होटल सब
होटल सब फुल है, कोई होम स्टे भी नहीं है, रूम्स है काफी लेकिन पार्किंग नहीं है कभी कहीं भी, तो हमें पार्किंग चाहिए। तो ये जगह बिल्कुल सही लग रही है दोस्तों। हम जब से चंबा पहुंचे हैं तब से लगातार बारिश शुरू है, हमने थोड़ी वेट की कैंपर में बैठ के कि चलो रुक जाए, अब बारिश तो नहीं रुक रही लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे आगे, रेनकोट पहन लेते हैं। फिर जो मेला वाला ग्राउंड है चंबा में वहाँ जाते हैं और कुछ विटनेस करते हैं क्या क्या है, फोक डांस, हिमाचली फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, जिसके लिए हम वहाँ से आ गए खजियार से यहाँ तक, तो वो तो देखना ही है। चलो चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। लगता है ये मेले का यहाँ स्थानीय लोगों में बहुत इम्पोर्टेंस है, सारे विभाग के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, वन विभाग, कृषि एंड ग्रामीण, उद्यान विभाग, पुलिस, सभी विभाग के स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। बहुत सारी पुलिस दिख रही है, एक बाजू आप देख रहे हैं हॉकी का खेल चल रहा है। तो मुझे लगता है ये मेले का काफी महत्व है यहाँ पे स्थानीय लोगों में। लगता है आ गई है बोन विजा, नीचे रखो, ये चाय है दोस्तों, हमने मंगाई थी चाय लेकिन लगता है आ गई है बोनविटा, शायद हमें बच्चा समझकर ये बोनविटा दे दिया होगा। अच्छे बच्चे है, बनकर अब पी लो, चलो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे फिर दौड़ पाएंगे। हाँ जी, और ट्रैवल कर पाओगे, रेस में फर्स्ट आएंगे। नहीं नहीं रेस नहीं लगानी है हमें, हम तो धीरे धीरे चल रहे हैं। भैया वो थोड़ा स्पाइसी बनाना बोलना इसको, फ्राइड राइस लाइट नहीं, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी ज्यादा नहीं, ऑयल कम लेकिन स्पाइसी थोड़ा। बाहर बारिश जबरदस्त हो रही है, हम लोग इस रेस्टोरेंट में आ गए हैं, ठंड भी है तो सबसे पहले हम सूप का मजा ले रहे हैं, तो आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए और एंजॉय करते हैं सूप को।